हे एवरीवन, वेलकम टू माय फ्लू फूड व्लॉग्स। गर्मियाँ चालू थी तो मैंने सोचा कि कुछ ठंडा बनाया जाए। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 कटोरी दूध लिया और उसको गैस पे चढ़ा दिया। और उसको चलाते रहेंगे ताकि दूध चिपके नहीं। और ये कटोरी में मैंने लिए थे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और थोड़ा सा दूध गर्म होगा तो उसमें मिक्स कर देंगे दूध को। 1 चम्मच पानी डाला मैंने कस्टर्ड पाउडर में, उसे अच्छे से लम्स फ्री कर लिया था। और थोड़ी देर के बाद जब दूध में उबाल आता है, थोड़ा सा दूध हल्का गाढ़ा लगता है, जब हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्स डाला। और मैंने लगभग 1/3 कप चीनी मिक्स की थी, क्योंकि हम लोग चीनी कम खाते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला था। इसमें कस्टर्ड मिक्स जो डालते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे डालेंगे ताकि लम्स नहीं आए। एक दो चम्मच करके डालते हैं। उसके बाद जैसे ही ये गाढ़ा होने लगता है और तो उसे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ कुछ फ्रूट्स काट के रखे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इन्हें मिक्स करेंगे। गर्मियों में आम का सीज़न भी रहता है तो आम भी डाला था मैंने इसमें। और उसके बाद इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।